हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में कि बहुत ज़्यादा कंसर्न लोगों का रहता है, स्पेशली जो वेमेन जो प्रेग्नेंट है या जिनकी डिलीवरी हो गई है, तो उनका एक सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि डिलीवरी के टाइम वो बोलती हैं कि मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। डिलीवरी के बाद बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं डिलीवरी के बाद कि हमारी डिलीवरी जब से हुई है तब से हमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और हमारे बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये हेयर फॉल क्यों होता है, क्या इसके रीज़न्स होते हैं और इसके क्या टिप्स हैं, जो टिप्स आप फॉलो करके इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि प्रोजेस्टेरोन होता है, जो क्या काम करता है, जैसे कि गर्दन हो गया है ना, आपके स्किन पे पिगमेंटेशन करता है, नेक पे पिगमेंटेशन करता है, लीन या नाइग्रा जो लाइन आती है टमी के ऊपर, पेट के ऊपर, वो डार्क करता है, थाइस को पिगमेंटेड कर देता है, जो निप्पल्स का एरोला वाला पार्ट है उसको ब्लैकिश कर देता है, पिगमेंटेड कर देता है। तो प्रोजेस्टेरोन का ये काम होता है। बट लोगों को ये लगता है कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन ये सब कर रहा है, पिगमेंटेशन कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर, यही हेयर फॉल करता है, बट ऐसा नहीं है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो इवन जो हेयर फॉल है उसके अगेंस्ट काम करता है। मतलब अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका बढ़ा हुआ है बॉडी में तो आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके बाल मतलब बहुत ही अच्छे उसमें आ जाते हैं, जैसे उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत अच्छी हो जाती है अगर प्रोजेस्टेरोन अच्छा है। तो प्रोजेस्टेरोन तो बिल्कुल भी इससे लिंक नहीं है कि हेयर फॉल होगा। अब हेयर फॉल क्यों होता है, देखिए अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि या तो PCOD है या थायराइड है या डायबिटीज़ है या BP का प्रॉब्लम है या स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, जैसे हेड की जो स्किन होती है वो ड्राई है कि डेंड्रफ फ्रिक्वेंट होता है या विटामिन सी की कमी है आपकी बॉडी के अंदर, उस वजह से भी होता है। तो ये कुछ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल टर्म्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है अगर आपको इनमें ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या होता है, जो नॉर्मल हेल्दी मदर होती हैं, जो मदर है जो डिलीवरी हो गई है या प्रेग्नेंट है, तो अगर उनमें ये कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है तो उनमें हेयर फॉल नहीं होगा। जैसे मैं बताऊँ, मेरे टाइम पर जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पर मेरे को क्या, अभी भी आज तक मेरे को कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है, नो PCOD, नो थायराइड, नो शुगर, नो डायबिटीज़, नो BP, नो ड्राई स्किन, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मेरी को ना डिलीवरी के टाइम पर भी हेयर फॉल हुआ, ना ही मुझे डिलीवरी के बाद हेयर फॉल हुआ। अब क्या होता है कि जब अब बात करते हैं तो डिलीवरी के टाइम की बात हो गई, अब पोस्ट डिलीवरी क्या होता है, पोस्ट डिलीवरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई है, पर वो क्या करता है डिलीवरी के बाद 1.5 महीने तक हाई रहता है तो ठीक रहता है, 1.5 महीने के बाद वो कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो जो हेयर फॉल की कंडीशन है वो 1.5 महीने के बाद दिखाई देती है, 1.5 महीने के बाद आपको नोटिस होता है। एंड जो मदर्स बताती हैं कि हमारी डिलीवरी के 2-3 हफ्ते बाद हमें हेयर फॉल होना शुरू हो गया था, वो इसी वजह से होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो सपोर्ट कर रहा था बालों को, लाइक बालों की क्वालिटी को, क्वांटिटी को, उसकी शाइनिंग को, सबको, तो वो क्या कर रहा है, वो अब कम हो गया है, तो जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की कि क्या टिप्स आप फॉलो करें जिसकी वजह से आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपको प्रोटीन सप्लीमेंट, आपको प्रोटीन डाइट लेना है। मेक श्योर कि आप जब प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के बाद आपको प्रोटीन डाइट लेना है। प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये सोचो कि आप सिर्फ बाहर से कुछ लगा लोगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ जब बाहर से जो हमारी दिखती है ना, उसका जो मेन सोर्स होता है वो अंदर से ही होता है। तो आपको प्रोटीन खाना है क्योंकि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, इनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप प्रोटीन अच्छे से लोगे, प्रोटीन सप्लीमेंट लोगे, प्रोटीन डाइट लोगे, तो आपका जो हेयर स्ट्रेंथ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जड़ें, वो मजबूत होती हैं, तो वहाँ से आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपको ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करना है, कोई भी केमिकल शैम्पू यूज़ नहीं करना है जो आप पहले करते आ रहे थे प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के बाद जो नेचुरल ऑर्गेनिक शैम्पू है आपको वो यूज़ करना है, क्योंकि आपके जो बाल बाहर हैं या जो स्कैल्प पे हैं तो उनको प्रॉपर नरिशमेंट जाना चाहिए, उनको केमिकल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो ऑर्गेनिक शैम्पू है वो ही यूज़ करने है। थर्ड होता है आपको आयरन एंड कैल्शियम का सप्लीमेंट लेते रहना है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी लेना है, डिलीवरी के बाद भी लेना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ लोग ले लेते हैं बट डिलीवरी के बाद बच्चे में बिजी हो जाते हैं, कभी थोड़ा इतना ज़्यादा उनका शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है कि वो आयरन कैल्शियम नहीं लेते, तो ऐसा नहीं करना है। आपको आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स प्रॉपर लेने हैं पूरी प्रेगनेंसी एंड जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो, या फिर कम से कम 7-8 महीने तक तो आपको लेना ही है। मेक श्योर आयरन सप्लीमेंट अलग अलग टाइम पे लो, सुबह आयरन ले रहे हो शाम को कैल्शियम लो, और अगर आप सुबह अगर आयरन लेके ज़्यादा गैप नहीं करना चाहते तो 3-4 आवर्स का गैप करते, बट एक साथ नहीं लेना है। आयरन कैल्शियम एक साथ लोगे तो कैल्शियम जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करेगा एंड वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो आयरन कैल्शियम आपको इस तरह से लेना है।
फोर्थ वन आता है कि आपको सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं, मतलब विटामिन सी। विटामिन सी की कमी होती है तो भी हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो विटामिन सी लेना है। जैसे कि आप कोई भी सिट्रस फ्रूट ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, कीवी ले सकते हो, जिसमें भी विटामिन सी होता है आप वो ले सकते हो। तो आपको विटामिन सी लेना है, विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर रहेगा तो एक तो आयरन टैबलेट जो आप ले रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा, दूसरा जो आपका हेयर फॉल है उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। लास्ट फिफ्थ टिप होती है कि हेड वॉश। हेड वॉश आपको करना है। देखिए लोगों को ये लगता है, कुछ जगह पे ये रिचुअल्स हैं कि जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो 3 मंथ्स तक हेड वॉश नहीं कराते हैं कि मिसकैरेज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हेड वॉश का मिसकैरेज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका मिसकैरेज हो रहा है इसका मतलब अंदर आपको कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हुआ है। आप बाल धो लेते हो 3 मंथ्स के अंदर इसलिए आपका मिसकैरेज हुआ है, ये कोई भी रीज़न नहीं है, ये बिल्कुल एक मिथ है। तो प्लीज़ इस चीज़ में आप बिल्कुल भी ना जाएं। तो आपको हेड वॉश करना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंट हेड वॉश करना है, क्योंकि आप हेड वॉश नहीं करोगे डैंड्रफ होगा, डैंड्रफ होगा अनहाइजेनिक हेड हो जाएगा तो हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है। और लास्ट में मैं कंक्लूड करके एक ही चीज़ बोलूँगी कि प्रेगनेंसी की वजह से हेयर फॉल कभी भी नहीं होता है। हेयर फॉल होने का रीज़न होता है प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस या आपकी बॉडी के अंदर किसी ना किसी चीज़ की कमी। तो आप प्रेग्नेंट हो या उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कल हम लोग किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कल हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी बात हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।